वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासों में हम 11th हिंदी मीडियम में 11वीं में पढ़ रहे थे विमायम मात्र, उसका पार्ट 7 है, जिसमें हम पार्ट 7 में नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। 24 तक की विमायम और सूत्र और मात्रक हमने पढ़ लिए थे। अब 25 नंबर पे अगली जो विमा है वो है तरंग दैर्ध्य। भौतिक राशि का नाम है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का सिंबल क्या है? लैम्डा। तरंग दैर्ध्य जो है वो एक तरह से दूरी है। तरंग दैर्ध्य एक तरह से क्या है? दूरी है। और इसकी विमा हम बढ़ाएंगे तो इसकी विमा बनेगी दूरी की विमा, तो एम जीरो एल वन टी क्यू। तो तरंग दैर्ध्य की आपके पास विमा आ जाती है एम जीरो एल वन टी जीरो। ठीक है, मात्रक की बात करें तो मात्रक आपके पास आ जाएगा मात्रक, दूरी का मात्रक आएगा मीटर। दूरी का मात्रक क्या आएगा बेटा? मीटर। और मीटर को किससे दर्शाएंगे? छोटे एम से। ठीक है, अगला देखिए। अगला है दाब प्रवणता, 26 नंबर पे है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता मैंने कहा था फिजिक्स में जब भी प्रवणता शब्द आता है तो जिसके साथ भी प्रवणता लगे हो उसके बटे में दूरी। तो किसके साथ लगी है प्रवणता? दाब के साथ। तो क्या सूत्र आ जाएगा? दाब बटे दूरी। तो यहाँ पे आ जाएगी दाब बटे दूरी। ठीक है, अच्छा दाब जो है, दाब की विमा या तो याद होनी चाहिए या फिर दाब की विमा बनाना सीख चुके हैं। दाब की विमा बनाने के लिए दाब का सूत्र आपको याद होना चाहिए। दाब क्या था? बल बटे क्षेत्रफल। अरे दाब क्या था बेटा? बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या थी? बल की विमा थी M1 L1 T माइनस 2 और क्षेत्रफल की थी L2। हिसाब करेंगे तो क्या आएगा यहां से? तो M1 L -1 T माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से दाब की विमा आपके पास आ गई। हमने वहां से निकाल लिया M1 L -1 T माइनस 2। और दूरी की विमा क्या आ जाएगी बेटा? दूरी क्या आ जाएगी? L1। ठीक है, हिसाब करेंगे तो हिसाब करो तो यहां से हिसाब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूं इसको L1 ऊपर जाएगा तो माइनस का वन और माइनस, तो L-2 और T-2। ठीक है, अच्छा इसकी विमा बन गई। मात्रक बताओ तो मात्रक क्या जाएगा? इधर लिख देता हूं इसका मात्रक, दाब प्रवणता का मात्रक। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक का बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और बल बटे क्षेत्रफल गुणा दूरी, तो यहां से जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और दूरी का मीटर मीटर क्यूब, तो यहां से आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर क्यूब -3। ठीक है, तो इस तरह से इसकी विमा और मात्रक हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है अगला नंबर 27। 27 नंबर पे अगली विमा, नंबर 27 पे है शांता ग्राम। बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। ठीक है, तो बल की विमा आपको याद है, बल की विमा होती है M1 L1 T-2। क्षेत्रफल की विमा L2। और वेग प्रवणता की विमा ध्यान है क्या? वेग प्रवणता की विमा क्या थी? T-1 आई थी सिंपल, तो M0 L0 T-1। ठीक है, तो इसको हल करके देखते हैं क्या आता है। तो M देखो कितने, M1 L1 और ये दो ऊपर जाएगा तो माइनस का दो प्लस का एक में से गया तो एक माइनस का हो जाएगा। T-1 ऊपर जाएगा तो प्लस का एक और T
मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर इनटू वेग प्रवणता का एक बटे सेकंड, सेकंड को गुणा हो भी जाएगा तो ये आ जाएगा न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं न्यूटन इनटू सेकंड इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको अगर सूत्र याद है तो इसकी विमाएं आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए पृष्ठ ऊर्जा नंबर अगला 28, 28 नंबर पे है पृष्ठ ऊर्जा, 28 नंबर पे आपके पास आ जाती है पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा का सूत्र देखिए बेटा, पृष्ठ ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, ठीक है। ऊर्जा मैंने कहा था बल और ऊर्जा या कार्य की विमाएं आपको याद होनी चाहिए, तो ऊर्जा की विमा क्या बनेगी, ऊर्जा की m1 l2 t-2 हमें याद है, और क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की क्या बनेगी l2, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगी m1 l0 t-2। तो प्रश्न ऊर्जा की जो विमा है वो आ जाएगी m1 l0 t-2। मात्रक क्या जाएगा, मात्रक, मात्रक आएगा ऊर्जा का मात्रक जूल, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, जिसको हम देख सकते हैं जूल इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए विशिष्ट ऊष्मा नंबर 28 के बाद 29 नंबर पे है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या है बेटा, ऊर्जा बटे द्रव्यमान, ध्यान रखना ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा गुणा ताप वृद्धि, गुणा ताप वृद्धि, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा ताप वृद्धि में, ये सही नहीं दिख रहा है आपको, हाँ जी। ऊर्जा की विमा बताओ, ऊर्जा की याद है क्या होती है, ऊर्जा की विमा m1 l2 t-2, ठीक है। द्रव्यमान की विमा m1 और ताप, देखो पहली बार जो सात मोल राशियां हैं जिनमें तीन ही चल रही थी mlt, लेकिन एक ताप भी मोल राशि है, तो ताप का कौन सा मात्रक है, क्या है, k केल्विन, ठीक है। तो ये अलग से लिख दिया के, क्योंकि जो मूल राशि है उन्हीं से विमा बना रहे हैं, ताप भी एक मूल राशि है। अच्छा जी साफ करो, तो m1 से m1 कट जाएगा, तो m0 l2 t-2 और ये k ऊपर जाएगा तो k-1। तो विशिष्ट ऊष्मा की जो आपके पास विमा आ जाती है वो क्या जाती है, m0 l2 t-2 k-1, ठीक है। अच्छा जी मात्रा देखिए, मात्रा ऊर्जा का मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक केजी और ताप का मात्रक केल्विन, केल्विन में कैसे दर्शाएंगे, कैसे, तो आपके पास आ जाए जूल इंटू केजी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। इस तरह से हम विमाएं बना रहे हैं, आपको सारे सूत्र अच्छे से याद करने हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।